यह हवा तूफानी है साहब। इस हवा में जो निकला वो या तो टूटे कनस्तर सा लुढ़कता लुढ़कता किसी किनारे से जा लगा, या किसी कपड़े के चिथड़े सा उड़ गया। ये बेमौसम का पतझड़ है, जहां पत्ते भी अपनी शाख से मोहब्बत छोड़ देते हैं, तो फिर सियासी दल की तो बात ही क्या है। इन दिनों सियासी दलों में बच्चों की सी मान मनवल का दौर जारी है। जैसे अक्सर गांव ढाणी की तंग गलियों में बच्चे अक्सर सतोलिए के खेल खेल में बीड़ू बदल लेते हैं, वैसा ही इन दिनों राजपुताना की सियासत में चल रहा है। 25 नवंबर से यहां चुनाव है। राजनीतिक दल सियासी रण के अपने धुरंधरों को प्रत्याशी बनाकर चुनावी मैदान में उतार रहे हैं। कांग्रेस और भाजपा के साथ ही अन्य कई क्षेत्रीय दल चुनावी रण में हैं। इस चुनावी महासमर में विधायकी का सपना लिए कई रणवीर अपना जौहर दिखाने के लिए बेताब हैं। और किसी दल ने अगर किसी की उपेक्षा कर भी दी तो वे बरसों पुरानी निष्ठा को और विचारधारा को पल भर में छोड़ दल बदल रहे हैं। इस फेरिस्त में वे बड़े नाम भी शामिल हैं जिनकी पीढ़ियों ने पार्टी को सींचा है, तो कई वे नाम भी शामिल हैं जिनको पार्टी ने मौके बेमौके मुनासिब मान सम्मान भी दिलवाया है। राजस्थान में चुनावी बिसात बीत चुकी है और इसी बीच बीजेपी और कांग्रेस के कई नेता दल बदल रहे हैं। पार्टी बदलने की इस कड़ी में जयपुर की पूर्व मेयर और कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ चुकी ज्योति खंडेलवाल का नाम सबसे ज्यादा चर्चाओं में है। ज्योति खंडेलवाल को कांग्रेस ने हरदम अहमियत दी और इसी की बदौलत वे जयपुर की मेयर भी बनी। साथ ही मुनासिब होने पर राजधानी की सांसदी का टिकट भी उनको दिया गया। लेकिन इस बार जब विधायकी का टिकट नहीं मिला तो ज्योति खंडेलवाल ने कांग्रेस का दामन छोड़ भाजपा ज्वाइन कर ली। इसी के साथ तारानगर से पूर्व विधायक और कांग्रेस के दिग्गज नेता रह चुके चंदनमन वैद के बेटे चंद्रशेखर वैद ने भी आज भाजपा ज्वाइन कर ली। इसके अलावा पूर्व विधायक नंदलाल पूनिया भी बीजेपी में शामिल हो गए। जोधपुर यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रविंद्र सिंह भाटी भी बीजेपी से जुड़ गए हैं। अभी हाल ही में कांग्रेस से दिग्गज नेता ज्योति मिर्धा भी बीजेपी में शामिल हुई थी। सांगानेर से कांग्रेस की सीट पर टिकट लड़ चुके सुरेश मिश्रा ने भी कुछ ही दिन पहले बीजेपी ज्वाइन की है। उनके साथ ही जयपुर के पूर्व संभागीय आयुक्त अतर सिंह मेहरा ने भी आरएलपी का दामन छोड़कर बीजेपी की सदस्यता ले ली। इससे पहले झुंझुनू दौरे पर आई कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भाजपा से धौलपुर विधायक शोभा रानी कुशवाहा, कुशनगढ़ से भाजपा के प्रत्याशी रहे विकास चौधरी और राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा को कांग्रेस ज्वाइन कराई है। हालांकि ममता शर्मा के लिए यह घर वापसी जैसा है, क्योंकि वे कांग्रेस की पूर्व विधायक भी रह चुकी हैं। खैर, ये तो अब देश की सियासत में आम बात हो चली है, मगर पार्टी दल बदल के इस खेल को देखकर लगता है कि चुनावी रणवीरों के दिमाग में महज विचार कौनते हैं। विचारधाराएं तो आम इंसान के जहन में ही जिंदा रह पाती हैं। आज पंचायती चुनाव से लेकर देश के सबसे बड़े सदन के चुनावों के दौरान भी चुनाव लड़ने के लिए नेता दल बदल लेते हैं। जिन विचारधाराओं को वो पार्टी को सींचने के लिए बनाते हैं, उन्हीं विचारधाराओं से वे मुंह फेर लेते हैं, जबकि आम आदमी जिसका उस राजनीतिक दल से कोई लेना देना भी नहीं, वो उन विचारधाराओं को इस कदर अपना लेते हैं कि चुनावों में सही उम्मीदवार को वोट डालने की उपेक्षा कर बैठते हैं। चुनावी चर्चा में आज इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।